नाउ क्लास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट्स नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम रिकॉल टेस्ट करते हैं रिकॉल टेस्ट में पाँच क्वेश्चन होंगे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे विद ऑप्शंस आपको पढ़ना है और आपको जो लगता है करेक्ट ऑप्शन है वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे फिर हम चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन सही थे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल्स स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स ऑप्शन ए ट्वेंटी सिक्स ऑप्शन बी एटी ऑप्शन सी वन टेन ऑप्शन डी टू जीरो सिक्स क्वेश्चन नंबर टू है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ईयर ऑसिकल्स ऑप्शन ए मेलियस ऑप्शन बी इंकस ऑप्शन सी स्टेपीज़ ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर थर्ड है देयर आर डैश पेयर ऑफ रिब्स ऑप्शन ए ट्वेंटी फोर ऑप्शन बी ट्वेल्व ऑप्शन सी सिक्स ऑप्शन डी टेन क्लास यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लें नौ क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी ऑप्शन ए फिमर ऑप्शन बी रेडियस ऑप्शन सी टीबिया ऑप्शन डी पटेला क्वेश्चन नंबर फाइव है कार्टिलेज हैज प्लाइएबल मैट्रिक्स ड्यू टू ऑप्शन ए कैल्शियम सॉल्ट्स ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन सी कॉन्ड्रोयोटिन सॉल्ट्स ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड क्लास यहाँ पे हम वीडियो को फिर से पॉज करेंगे ताकि आप क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लें नाउ क्लास आंसर्स देखते हैं फर्स्ट का है बी सेकंड का है डी थर्ड का है बी फोर्थ का है ए फिफ्थ का है सी क्लास जॉइंट्स जो हैं वो बहुत जरूरी होते हैं मूवमेंट के लिए एज वेल एज फॉर लोकोमोशन और जो जॉइंट्स हैं दे आर दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टलेज एंड ओवर जो मसल्स हैं वो फोर्स जनरेट करती हैं जो कि मूवमेंट कैरी करते हैं थ्रू जॉइंट्स तो दस जो जॉइंट हैं वो एक्ट करते हैं एज फलक्रम जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जॉइंट है दे एक्ट एज़ फलक्रम्स क्लास जॉइंट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो पहला टाइप है फाइबरस जॉइंट और यही हमारा सब टॉपिक है तो जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट यानी ये मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं और इस टाइप का जो जॉइंट है वो हमारे क्रेनियम में प्रेजेंट होता है जब क्रेनियल बोन्स जो है फ्यूज करती हैं एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू